हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज हम जो है इंटरनेट सोशियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ लाए हैं। अगर आप जून का नेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो हैं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। प्रश्न एक है कि समाजशास्त्रीय परम्परा और आधुनिकता है तो इसका उत्तर क्या होगा। विचार जो है इसका उत्तर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दो, समाजशास्त्रीय परंपरा और आधुनिकता किसका सम्मिलित रूप है तो इसका उत्तर क्या कहलाएगा। मूल्य और संस्थाओं का, तो किसका है ये, मूल्य और संस्थाओं का। फिर हमारे ऊपर आगे प्रश्न आया है कि सामाजिक विरासत के तत्व होते हैं तो इसमें जो है ये सभी हैं, तो सभी में कौन कौन आएंगे। मूल्यों की व्यवस्था, सामाजिक संरचना आएगी और व्यक्तित्व संरचना, तो ये सामाजिक विरासत के तत्व हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, परंपरा का अर्थ किस काल में विकसित हुआ। परंपरा का अर्थ जो है किस काल में विकसित हुआ तो इसका उत्तर क्या होगा। आधुनिक काल में, तो आधुनिक काल में ये स्टार्ट हुआ था। फिर है प्रश्न नंबर पाँच, समाजशास्त्रीय परंपरा के विद्वान निम्नलिखित में से कौन हैं तो उत्तर ये सभी हैं। तो समाजशास्त्रीय परंपरा में इमानुएल दुर्खिम जी भी आएंगे, मैक्स वेबर भी आएंगे और कार्ल मार्क्स, तो ये तीनों ही इसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, इमानुएल दुर्खिम किस देश का समाजशास्त्री था तो वो फ्रांस के रहने वाले थे। इमानुएल दुर्खिम कहाँ के थे, फ्रांस के। अगले प्रश्न को देखते हैं, इमानुएल दुर्खिम का सामाजिक तथ्य किस विषय पर आधारित है तो इसका उत्तर सभी है, यानी कि धर्म पर भी आधारित है, आत्महत्या पर आधारित और श्रम विभाजन, इन तीनों पर ही वो आधारित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न आठ, समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है तो वो किसने कहा है तो इसका उत्तर क्या होगा। दुर्खिम जी ने कहा है कि समाजशास्त्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही जो है वो समाजशास्त्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नौ, दुर्खिम ने समाज में घटित होने वाली घटनाओं का कारण किसे बताया तो समाज को ही उन्होंने बताया था। अगला प्रश्न है दस, दुर्खिम ने किसे प्रधानता देने की बात कही है तो समाज को जो है प्रधानता देने की बात कही गई है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, दुर्खिम के अनुसार समाज किसका एकी तंत्र है तो इसका उत्तर क्या, प्रकार्यवाद का। फिर अगला प्रश्न है 12, प्रकार्यवाद की विवेचना दुर्खिम ने अपनी किस पुस्तक में की है तो इसका उत्तर क्या आएगा, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है तो फ्रेंड्स आपको ये जरूर याद रखनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, समाज की वास्तविक इकाई किसे माना गया है तो नैतिकता को जो है समाज की वास्तविक इकाई माना गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, दुर्खिम के समाजशास्त्रीय सिद्धांत की अवधारणा उनकी किस पुस्तक में वर्णित है तो इसका उत्तर है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। प्रश्न नंबर 15, दुर्खिम का सामाजिक तथ्य का विचार डैश के व्यक्तिवादी विचारों से भिन्न है तो इसका उत्तर क्या आएगा, स्पेंसर। अगला प्रश्न है 16, दुर्खिम ने समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए किसे अवैज्ञानिक माना है तो व्यक्ति को माना है। अगला प्रश्न है 17, समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्य का अध्ययन किसने बतलाया है तो इसका उत्तर है दुर्खिम। फिर है, किसने कहा था कि सामाजिक तथ्यों की वस्तु की तरह समझना चाहिए तो इसका उत्तर इमानुएल दुर्खिम। अगला प्रश्न है, प्रश्न 19, समाजशास्त्रीय अध्ययन का क्षेत्र कौन सा है तो सामाजिक तथ्य ही जो है समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र है। फिर है प्रश्न नंबर 20, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को किस रूप में देखा है तो भौतिक पदार्थ के रूप में। फिर है, सामाजिक तथ्य मनुष्य के बाहर रहते हुए भी किससे प्रभावित करता है तो वो विचार को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक तथ्य का प्रभाव व्यक्ति कहाँ अनुभव करता है तो वो आंतरिकता में। अगला प्रश्न है, किसने विचार दिया कि सामाजिक तथ्यों का सिर्फ सार्वभौमिक होता है तो दुर्खिम ने दिया था। प्रश्न 24, यदि व्यक्ति की चेतन अवस्था को समान रूप से प्रभावित करता है तो इसका उत्तर क्या होगा, सामाजिक तथ्य। प्रश्न 25, दुर्खिम ने आत्महत्या को किस प्रकार की घटना माना।